आप सब लोग, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हैप्पी लोहड़ी मेरी तरफ से आप सभी को और आपकी पूरी फैमिली को। और फ्रेंड्स, अभी कर चुके हम नाश्ता, और जो उस दिन माँ जी एक्सपायर हुई थी, आज उनकी थेरामी है, तो मम्मी तो ऑलरेडी वहाँ गई हुई है, हम भी थोड़ी देर में रेडी होकर जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, कल के चैलेंज में व्यूज तो अच्छे आए हुए हैं, लेकिन आप लोग ना तो वीडियो को लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, और मैं बोल बोल के थक गई हूँ कि डिस्क्रिप्शन में जाके यानी कि कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करें कि आपको चैलेंज कैसा लगा है। लेकिन आप तो ना तो लाइक करें, ना सब्सक्राइब करें, ना कमेंट करें, बस देख के चले जाते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट भी करके बताएं कि मेरा चैलेंज आपको कैसा लगा। अच्छा और आगे कौन सा नया चैलेंज मैं आप सब लोगों के लिए लेके आऊँ। फाइनली हम खाना खा के आ चुके हैं और मम्मी हमारे साथ ही आ गए, और अब फिर हम चाय का ब्रेक ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा गेस्ट आए हुए थे, इन सबको चाय वगैरह देने के बाद अब थोड़े फ्री हुए तो अब चाय पी रहे हैं, और उसके बाद देखते हैं शाम को क्या खाना पीना वगैरह बनाना है। उस दिन जब हम फोटोग्राफ देख रहे थे तो दो फोटो रह गई थी जो मुझे आज बेड के नीचे गिरी हुई मिली है, तो ये दो फोटोज़ है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ क्योंकि मेरी चोट लगी थी उसी दिन, और ये यश मुझे ऐसे देख रहा है जैसे पता नहीं मैं क्या खा रही हूँ। ऐसे मैं चौक मार रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये मेरा फोटो है जो मैं 5 महीने की थी, ये दो फोटो उस दिन रह गए थे। और फ्रेंड्स, मम्मी को पूरा खा के हो गया है, पेट में दर्द, गैस बन गया है, इसलिए मैं भी अपना पूछ पा रही है कि मैं कैसे बताऊं लोगों को मैंने ज़्यादा पूरी खा ली थी, मेरे गैस बन गया शाम के साथ। और इस त्यौहार पे हम कुछ भी स्पेशल नहीं करते हैं, बस एक दूसरे को मूंगफली एक्सचेंज करते हैं, और जो हमसे बड़े होते हैं वो हमें पैसे देते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी मौसी ने मूंगफलियाँ भेज दी है, ये उनकी भेजी हुई मूंगफलियाँ अभी खाएंगे थोड़ी देर में। और हमें गुरु जी को भोग लगता है क्योंकि जो उनके वहाँ मंदिर में बहुत ज़्यादा अच्छा फंक्शन होता है इस दिन, तो अब की बार हम जा नहीं पाए, इसलिए मम्मी ने घर पे मूंगफली और रेवड़ी का गुरु जी को भोग लगा दिया है, और मूंगफली रेवड़ी खाएंगे और शाम के डिनर की तैयारी करेंगे। और थोड़ी देर में मेरी ताई जी भी मूंगफली और वो भेजेगी, तो थोड़ा बैंक बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मज़ा आता है। होता तो कुछ खास नहीं, लेकिन जो पैसे मिलते हैं ना उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी रहती है क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस उस दिन बढ़ जाता है। तो मिलते हैं सबको थोड़ी देर में। हाँ, तो मम्मी बोली कि तू अपने हाथ से चाउमीन बना, एंड वैसे मुझे चाउमीन बनानी आती नहीं है बिल्कुल भी, देखते हैं अब चाउमीन में क्या जादू करूँगी मैं। तो फ्रेंड्स, अब बनाने जा रही हूँ मैं चाउमीन, इसका मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं है कैसे बनाए जाते हैं चाउमीन, लेकिन बनाऊँगी ज़रूर मैं आज, और दिखाती हूँ फिर आपको थोड़ी देर बाद कि मैंने कैसे चाउमीन बनाई है और उसका टेस्ट कैसा है। ओके, इसमें प्याज थोड़े से भुन जाएंगे, और इस गैस पे मैंने चाउमीन उबालने के लिए रखी हुई है ताकि इसका टेस्ट थोड़ा निखर के आए। ये फ्रेंड डालेंगे इधर इसमें सोयाबीन। माय वीडियो नौ बजे की है, तेरे मेरा को नहीं बोले तेरे। फ्रेंड्स, इसका बहुत बड़ा खींच दिया गया है, जो भी डाली हमने दिखा दे रहा है। कल के व्लॉग में आओ भाई तू। हां, ए व्लॉग में एडिटिंग कर लगा हूं, रुक जा। मान देखो, ओए फ्रिज में टमाटर दिए। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने ये चाउमीन बनाई है और मम्मी भी चाउमीन खा ली है। मम्मी कैसे बनते हैं चाउमीन? तो फ्रेंड्स, मेरी मेहनत सफल हुई, मैं खा के देखता हूं कैसे की बन रही है, खा के देखता हूं कैसी है। वाओ, बढ़िया, मजा आया। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत अच्छी चाउमीन बनाई है, अगर आप चाउमीन का ऑर्डर देना तो डिस्क्रिप्शन में जाके चाउमीन का फटाफट से ऑर्डर दे दीजिए। मास्टर शेफ में जा सकती हूँ मैं, इतना टैलेंट है मेरे अंदर, जो मैं चाउमीन पराठे बना बना के साबित कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।